सुबह करीब 5 बजे एक माँ अपने बच्चे को दूध गर्म करने के लिए गैस ऑन करती है। कितने में अचानक गैस सिलेंडर में धमाका हो जाता है और धमाका इतना जोरदार कि आसपास के सभी पड़ोसी गहरी नींद से उठ बैठते हैं। जी हाँ, ये पूरी घटना पलवल के देवनगर कॉलोनी में पेश आई। सुबह के समय अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई और वे धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर के फट जाने के कारण मकान में मौजूद सदस्य बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। सिलेंडर फट जाने की आवाज बम धमाके से कम नहीं थी। सूचना के काफी देर बाद पहुंचे एजेंसी कर्मचारी ने मौके का मुआयना किया, लेकिन सिलेंडर में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। सुबह 5:30 बजे बच्चे के लिए दूध गर्म कर रहा था, उसके लिए गैस जलाई थी, दूध भी गर्म नहीं हुआ, इसने एकदम सिलेंडर ने आग पकड़ ली और एकदम ही सारे में फैल गई और सारा यहाँ से सारा जल गया। और सो भी रहे थे, उनको जबरदस्ती जगा के लेके आए थे। मेरा छोटा सा इतना सा बच्चा है, वो खेल रहा, उसको लेके आई थी, इनको जगा के लेके आई थी। और ये सिलेंडर HP वालों का है और रेगुलेटर भी, नली भी, चूल्हा भी सब उनसे ही लिया था। रात को सिलेंडर खोला था, सील पैक था और कुछ भी नहीं किया। रात को बस सुबह दूध गर्म करा, एकदम आग पकड़ ली। HP कंपनी का ही रेगुलेटर है, उन्हीं का चूल्हा है और नली भी उन्हीं की थी। नली है, दो लिए थे मैंने, एक नली अभी पन्नी पैक रखी है मेरे पास, HP वालों की है। हादसे का क्या कारण रहा है, आग जो लगी है कैसे लगी है? वो पता ही नहीं, एकदम बस सिलेंडर ने आग पकड़ ली है। सीधे सिलेंडर ने बस दूध गर्म करा, अभी खाना भी नहीं बनाया हमने सिलेंडर से। हमारा घर बिल्कुल इनके बिल्कुल सामने है और हमारे घर तक भी बहुत जोर की आवाज़ हुई थी। हमारे पिताजी बेड पे लोटे हुए थे, वो भी एक साथ ऐसे गिरे हैं, बहुत ज़्यादा वो हुआ है। सुबह 5:30 बजे पूरा 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 मोहल्ला ऐसे देखता है कि क्या हुआ है। ये जो कमरा पड़ता है, इससे कितने आगे पड़ता है आपका घर? इनके कमरे से बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर का रास्ता हो गया। 10 मीटर दूर तो क्या खिड़की वगैरह? नहीं, खिड़की नहीं, वहाँ से अंदर शीशा रखा हुआ था, वो एकदम धैर्य से नीचे गिरा है। कितना धमाका हुआ था? कितना धमाका? इतना जोर के हुआ था कि जो लगा लो कि आसपास के 10-5 घरों में तो पूरे सबरे के सबरे कांप गए थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। घर से बाहर निकल कर देखा तो क्या? घर के बाहर निकल के देखा था, फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बम गिरा हो या क्या हो। पूरे पूरे बच्चे सब ऐसे घबरा गए थे, बहुत बुरा हाल हुआ है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि सिलेंडर फटने के कारण मकान में आग लग गई, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ है। धमाके के कारण मकान में दरारें भी आ गई हैं। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि देवनगर में सिलेंडर फट गया है, सिलेंडर फटने से आग लग गई मकान में। ये आग देखा तो भाई कोई जन हानि तो नहीं है, लेकिन मकान का, उनके सामान का काफ़ी नुकसान है। सिलेंडर फटा हुआ है, गैस एजेंसी वाले मौके पर आ गए थे और पूरा मौका देख लिया है, जैसी कार्रवाई की। इस संबंध में आप मुकदमा दर्ज करेंगे? हाँ, इसमें रोजनाम से मेरे को लिखी जाएगी। कितना नुकसान का आकलन है? वो तो इनके सामान से बताएंगे कि काफ़ी घरेलू सामान है इनका। मकान कितना क्षतिग्रस्त हुआ है? मकान में भी ऊपर छत में अंदर से वो आ गई थ्रेड। आपको बता दें कि मीनाक्षी अपने 3 वर्षीय बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए गई थी और चूल्हा जलाया ही था कि अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते सिलेंडर फट गया। उसने भागकर अपनी जान बचाई, साथ ही घर के अन्य सदस्यों ने भी भागकर अपनी जान बचाई। सिलेंडर में आग क्यों लगी है, फिलहाल अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब के स्टेडियम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।